कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में आने वाले हफ्ते बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। और बाजारों में निचले स्तर से आपने बीते हफ्ते बाजारों में देखा था रिकवरी आई थी, क्या बाजारों में रिकवरी सस्टेन होगी, क्या बाजारों में इस हफ्ते बाजारों में आपको तेजी देखी जाएगी, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट की स्थिति, इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से कामकाज है और साथ साथ मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की भी आपको जानकारी बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं सोया ऑयल में। सोया ऑयल में अगर बात करी जाए तो बीते हफ्ते बाजारों में निचले स्तर से रिकवरी देखी गई। सोया ऑयल का भाव 90 रुपए हो गया। पामोलिन की अगर बात करेंगे तो 88 रुपए रहा। राइस ब्रैन ऑयल का भाव 81 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का भाव 95 से 96 रुपए रहा। सोयाबीन सीड के भाव में भी मामूली रिकवरी के साथ 5100 रुपए पे कामकाज हुआ। कांडला पोर्ट का भाव भी, क्रूड पाम ऑयल का भाव 801 रुपए, फॉरवर्ड में 791 रुपए, पामोलिन का भाव 835 रुपए, सोया रिफाइन का भाव 870 रुपए, सोया डिगम का भाव 795 रुपए, फॉरवर्ड में 790 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 870 रुपए। बाजारों में एक अच्छी रिकवरी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अगर बात कर लेते हैं डमी ऑयल की तो पाम चावल तेल पिछले 5 महीने के पेरेंट ऑयल सोया सन कॉटन सरसों तेल से सबसे ज्यादा बाजारों में सेफ रहा है। दिसंबर में सोया सन कॉटन सरसों तेल 35 फीसदी 39 से 47 रुपए किलो इस समय क्रैश हुए हैं। ओलीन की अगर बात करें तो 14 फीसदी लगभग 13 रुपए किलो, चावल रिफाइंड 27 फीसदी लगभग 31 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट आई है। चावल तेल का सीजन ऑफ हो चुका है, नई सप्लाई नहीं मिलेगी तो आगे भी अपनी चाल से ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। पाम ऑयल की अगर बात करेंगे तो पाम ऑयल अब पीक उत्पादन के साइकिल में एंटर कर रहा है। अगर 31 मई को सोया सन पाम सरसों कॉटन चावल तेल में एक नया लो बनाया, यह लो 2022 और 2021 में भी नहीं दिखे थे। अब तेल मार्केट 2020 के लो की बराबरी के लिए आगे मूव कर रही है। प्री कोविड मार्च में 2020 में अगर लेवल का दिखाने का संकेत दे रही है। 31 मार्च 2020 में सभी एडविल ऑयल 74 से 86 रुपए किलो की रेंज में थे। 31 मई 2023 की रेंज में ये 81 से 92 रुपए की रेंज में बाजारों में कामकाज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो 3 साल पहले की रेंज से इस समय अब ज्यादा दूर बाजारों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरसीज मार्केट की अगर बात करी जाए तो लगातार आप बाजारों में देख रहे हैं कि बाजारों में गिरावट की वजह से पैनिक की स्थिति बनी हुई है। दिसंबर से ही सोया सन पाम सरसों चावल काटन ऑयल महीने की हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दिसंबर से ही हर महीने में नया नया आप लो बनता हुआ देख रहे हैं। हर हाई के साथ आपने देखा है ट्रेड के साथ एक बाजारों में गिरावट देखी गई। तेजी में ट्रेड में यकीन कर लेता है मगर हाई से लो में 15 रुपए किलो क्रैश हुआ है। अगर ट्रेडरों की बात करी जाए तो करोड़ों रुपए की पूंजी इस समय उनकी साफ हो गई है। अप्रैल महीने में हाई से लो में सबसे ज्यादा क्रैश देखा गया है। अगर केएलसी की अगर बात करें तो फरवरी 2022 में हर महीने पिछले हाई को छोड़ता हुआ आ रहा है। इसमें केवल नवंबर 2022 और मार्च 2023 में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है। सप्लाई डिमांड के फैक्टर में महीने की हाई को बाजारों में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। दिसंबर से 31 मई तक 24 फीसदी वैल्यू 970 रिंगिट का नुकसान अभी तक बाजारों में हो चुका है। इन 5 महीनों में मंदी 2022 से पूरे साल में अगर देखा जाए तो 531 रिंगिट की गिरावट देखी गई है। मई की 3205 रिंगिट की क्लोज नवंबर 2020 के बाद सबसे नीचे बाजारों में रहा। लगभग 3 साल के अपने लोअर भाव के आसपास केएलसी में कामकाज होता हुआ इस मंथ में बाजारों में नजर आया है। आज जैसे कि आपको मालूम है केएलसी हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार बंद रहेगा। बीते हफ्ते केएलसी में जोरदार तेजी देखी गई थी। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप सो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9:30 लाइव करके मिल जाएगा। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 87 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 89 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 80 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 82 रुपए। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5050 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5250 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5250 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक निचले स्तर से बाजारों में सुधार दिखाई देगा। बाजारों में एक बार गिरावट कुछ थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।